ये व्हाट्सअप कस्टमर, मेरा नाम सौरभ और ये देखिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ऑल्टो की फुल क्रोम किट। इसको आपने किस टाइप से गाड़ी में इंस्टॉल करना है ये देखिए मैं प्रॉपर आपको जो किट है उसको हम गाड़ी में इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो ये देखिए जो इसकी ऑल्टो की फुल क्रोम किट है इसको हम लेके आए हैं गाड़ी के पास और इसको ओपन करने के बाद अभी हमने इसका जो टेल लाइट है उसका पीस किया है ओपन, जो किया है इसका लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये देखिए इसको गाड़ी में लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब गाड़ी में आपने लगाना है तो उससे पहले आपने कॉलिन से जो आपकी गाड़ी की जो टेल लाइट है उसको आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है, जो कि मैंने आपको करते हुए दिखाया था। दिखाने के बाद आपने 3M के जो इसके पीछे टेप दिया होता है उसको करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने गाड़ी में कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो ये देखिए जो ये पीस है ये गाड़ी में लगने के बाद प्रॉपर फिट हो चुका है। अब देखिए हम करेंगे हेडलाइट को फिट। हेडलाइट को भी आपने सेम प्रोसेस है, पहले कॉलिन से करना है एकदम नीट एंड क्लीन, डस्ट प्रूफ। डस्ट प्रूफ होने के बाद फिर आपने जो टेल लाइट इसका राइट हैंड साइड का पीस है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, उसको आपने लेके कुछ इस टाइप से चिपकाना है। मैं आपको इसके एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ गाड़ी में लगने के बाद एक किस टाइप की आएगी नज़र, वो मैं आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल चुका हूँ, लास्ट में भी डाल दूंगा। अगर ये फुल क्रोम किट या फुल क्रोम ग्रिल आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम का लिंक, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊँगा क्या इसका प्राइस हो रही है, कैसे कैसे आपके पास तक पहुँचेगा। तो ये देखिए ये जो पीस है इसको गाड़ी में इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने कुछ नहीं करना है। जो आपकी हेडलाइट है उसकी जो एरिया है उसको एकदम आपने नीट एंड क्लीन करना है। करने के बाद फिर इसकी जो हेडलाइट हो या टेल लाइट, हैंडल, फिंगर जो भी है उसको आपने सेम प्रोसेस से प्रॉपर फिट करना है। ये देखिए मैं आपको जो पूरा पीस है या जो पूरी क्रोम किट है उसको इंस्टॉल करके दिखा भी रहा हूँ कि आपने घर पे मंगा के किस टाइप से करनी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोसेस जो है ऑल्टो का ही है, आपने किसी भी गाड़ी की कोई भी क्रोम किट या क्रोम फ्रंट ग्रिल आपने हमसे परचेस करना है। परचेस करने के बाद आपने सेम प्रोसेस से लगाना है। ये देखिए मैं भी आपको प्रॉपर दिखाऊँगा कि इसकी जो दोनों हेडलाइट है वो देखो आपको मैं प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से आपने इंस्टॉल करनी है। और साथ ही टेल लाइट को मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, अब इसके जो हैंडल और फिंगर है उनको भी हम करेंगे गाड़ी में इंस्टॉल, आपको दिखाएंगे कि किस टाइप को इसको गाड़ी में इंस्टॉल होना है। तो ये देखिए इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है उसको अब हम कर रहे हैं इसके टेप को रिमूव। रिमूव करने के बाद हम इसके जो फ्रंट की एरिया है उसको चिपका देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉलिन से आपने इसके फ्रंट की जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि ऑल्टो आपकी बहुत पुरानी गाड़ी हो चुकी है, इसकी जो ABS प्लास्टिक है इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनको रिमूव करने के लिए आपने कॉलिन का ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, या अच्छे से गाड़ी को भी वॉश करा सकते हैं। तो ये देखिए जिसकी फ्रंट की क्रोम ग्रिल है अपर पीस वो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है। लोअर को बहुत ज़्यादा है आसान इंस्टॉल करना है, इसके पीछे कुछ टाई बेल्ट और पत्ती धुई होती है, इसको प्रॉपर रख के या तो अपने टाई बेल्ट से फंसा के और खींच देना तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगी, या पीछे इसकी मैंने स्क्रू के साथ दी होती है पत्ती और सेल्फ स्क्रू, वो आपकी जो ग्रिल है उसको टाइट हो जाते हैं और फिर ये प्रॉपर आपकी गाड़ी में जो ग्रिल है फ्रंट की ये फिट हो जाती है। तो अपर एंड लोअर गाड़ी में लगने के बाद किस टाइप के नज़र आती है ये मैं वीडियो के एंड में आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये देखिए मैंने जो 3-4 पीस है उनको गाड़ी में इंस्टॉल कर लिया है, अब हम करेंगे लोअर ग्रिल को इंस्टॉल। तो उसको मैंने देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए अपर एंड लोअर दोनों ग्रिल जो है वो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इसके हैंडल और फिंगर के पास और उसको करते हैं। तो ये देखिए साइड इंडिकेटर, ये इसका साइड इंडिकेटर, इसको भी सेम प्रोसेस आपको इंस्टॉल करने का। इसमें भी आपने अगर आपको अपनी ऑल्टो को करना है मॉडिफाई तो आपकी क्रोम की एक्सेसरीज लगवाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है उसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा, आपको जो बिल्कुल चेंज लुक देखने को मिलेगा, जो इसकी पहले की फ्रंट लुकिंग थी या साइड लुकिंग थी या जो रियर लुकिंग थी और जो अभी ये जो क्रोम किट है ये लगने के बाद जो इसका लुक है वो कितना ज़्यादा चेंज होएगा इस प्रॉपर वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए इसका जो हैंडल है इसको हमने कर लिया इंस्टॉल, अभी हम इसके फिंगर है इसको भी करेंगे इंस्टॉल। सेम प्रोसेस कुछ नहीं करना, अपने कॉलिन से जो एरिया है उसको करना है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर आपने 3M के जो टेप है उसको करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद प्रॉपर आराम से कुछ इस टाइप से आपने चिपका देना है। ये फुल क्रोम किट, फुल फ्रंट ग्रिल, डोर वाइजर, स्पॉइलर, रूफ रेल, कोई भी एक्सेसरी अगर आपको चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊँगा क्या इसका प्राइस हो रही है, कैसे कैसे आपके पास तक पहुँचेगी। तो ये देखिए इसकी प्रॉपर दोनों हेडलाइट गाड़ी में फिट हो चुकी हैं, फ्रंट की लुकिंग कुछ आपके इस टाइप की आने वाली है। अब हम दिखा देते हैं इसकी साइड की लुकिंग आपको, किस साइड की जो लुकिंग है वो आपको किस टाइप की दिखने वाली है और साथ ही साथ जो इसकी रियल लुकिंग है वो किस टाइप की दिखने वाली है। ये देखिए ये मैंने इसके हेडलाइट को भी किया हुआ है इंस्टॉल, जो क्रोम पीस है इसके हेडलाइट के ऊपर, ये देखिए प्रॉपर फिटिंग है इसकी फ्रंट ग्रिल, अपर एंड लोअर, और ये देखिए इसका साइड इंडिकेटर, इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया एक क्रोम पीस, तो इसका जो लुक है
काफ़ी हद तक बढ़ गया है, और साथ ही इसमें मिरर कवर को मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। मैंने इसमें किए हुए हैंडल और फिंगर के क्रोम पीसेस इंस्टॉल, ये देखिए आपको कुछ इस टाइप के देखने में नज़र आते हैं। और चलते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं कि इसका रियर जो हैंडल फिंगर है वो किस टाइप का नज़र आता है, और इसकी जो क्रोम टेल लाइट है वो किस टाइप की नज़र आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर।